न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बदलाव का संकल्प, बहन श्रुति चौधरी और अभिमन्यु राव ही विकल्प। मेरा अभिमन्यु मेरा स्वाभिमान, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से अभिमन्यु राव। 22 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज आखिरकार छात्र संघ के चुनाव हो ही गए। रेवाड़ी के अहिर कॉलेज की बीए फाइनल में पढ़ने वाली किसान की बेटी छात्रा अंजलि यादव आज हुए छात्र संघ के चुनाव में सभी प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए 18 सीआर विजेताओं में से 10 का समर्थन प्राप्त कर प्रधान बनी। वहीं केएलपी कॉलेज से अनुष्का यादव, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुरावड़ा से सोनम, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज रेवाड़ी से नेहा कुमारी, गवर्नमेंट कॉलेज बावल से तनुज पंघाल ने बाजी मारी। प्रधान बनी अंजलि की माने तो कॉलेज में महिला छात्राओं के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कॉलेज में बाहरी लफंगों में फप्तियां कसना, कॉलेज की बदहाल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना, छात्रों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, छात्रों पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से लगने वाली पेनल्टी सहित अनेक समस्याओं का निवारण करना अब उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं छात्रों की जायज मांगों के लिए भी वे संघर्षरत रहेंगी। इस प्रधान पद पर सुशोभित करने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी छात्रों का धन्यवाद किया और इसका श्रेय अंजलि ने अपने सभी सहयोगियों व परिजनों को दिया। आपको बता दें कि नवनियुक्त प्रधान अंजलि यादव रेवाड़ी जिले के गाँव औलांत की रहने वाली है। अंजलि के पिता एक किसान है और माता एक गृहिणी है, जबकि अंजलि तीन में मंजली बेटी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैं बहुत खुश हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है। मैं उनके लिए उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगी, उनके लिए जो वो कुछ कहेंगे जो सही होगा वो करूंगी। इसके लिए मेरे टीचर्स, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और पेरेंट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इसके लिए। अभी 18 में से मुझे 10 बहुमत मिले हैं, उसके लिए मैं जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसमें चांदनी कुशाल इनका बहुत ज्यादा, भारत सैनी इनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है मेरे साथ। और जहाँ तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मेरे फ्रेंड्स की, पूरे कॉलेज की, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए। फाइन ज्यादा आता है, एक तो कॉलेज में फाइन ज्यादा आता है, और लड़कियों की नहीं कम सुनी जाती है।